ठीक है स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास में आपको एपिडर्मिस के बारे में बताया था। ठीक है, आज अपन डर्मिस लेते हैं। क्या लेंगे? डर्मिस। क्या बोलेंगे इसको? चर्म। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इंडेवोमेंटी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में कि जो मानव शरीर होता है उस पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है और त्वचा तथा त्वचा से व्युत्पन्न संरचना मिलकर कौन सा वाला तंत्र बनाती है? इंडेवोमेंटी सिस्टम। ठीक है, कौन सा तंत्र बना देती है? अध्यावणी तंत्र बना देती है। ठीक है ना, इसमें मैंने कहा था कि स्किन की अपन को हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो स्किन की हिस्टोलॉजी में मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि जो स्किन होता है दो स्तरों से मिलकर बनता है, एक एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको एपिडर्मिस कंप्लीट करा दिया था, काफी डिटेल में बताया था। आज अपन दूसरा वाला जो उसका स्तर है जिसको हम क्या बोलेंगे, डर्मिस, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है या कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर, जिसको क्या बोला जाता है? चर्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो चर्म है ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनी होती है। किससे बनी होती है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इसको हम कह रहे होते हैं भ्रूणीय मीजोडर्म या मध्य जनन स्तर। ठीक, एपिडर्मिस में मैंने बताया था कि एपिडर्मिस किससे बनता है? एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनता है। ये किससे बनेगा डर्मिस? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है, जो त्वचा का सबसे भीतरी भाग होता है। त्वचा का कौन सा भाग होता है? सबसे भीतरी भाग होता है, और यह भाग ठीक अधिचर्म के नीचे स्थित होता है। किसके नीचे स्थित होता है? अधिचर्म के नीचे स्थित होता है। ठीक है, भ्रूणीय मीजोडर्म से बना होता है, त्वचा का सबसे भीतरी भाग होता है जो अधिचर्म के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक, डर्मिस फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग होती है, अर्थात ये लोचदार होती है। और कैसी होती है? मजबूत होती है। ठीक है, अर्थात स्किन का डर्मिस वाला भाग कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये लोचदार होता है और कैसा होता है? मजबूत होता है। ठीक है, यह जो डर्मिस है इसका अधिकांश भाग तंतुमय तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बनता है? तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा, अर्थात डर्मिस का अधिकांश भाग फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बना होता है। ठीक है, और इसमें व्हाइट कॉलेजन फाइबर येलो इलास्टिन फाइबर त्वक्तु संवेदन सेंस ऑर्गन्स त्वक ग्रंथियां
ग्लैंड्स, रुधिर वाहिनियां, आरेखित पेशी तंतु, रोम कुटिकाएं, हेयर फॉलिकल, पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात जो डर्मिस है जो किससे बना होता है, फाइबर कनेक्टेड टिश्यूज से। इस फाइबर कनेक्टेड टिश्यूज में श्वेत कोलेजन तंतु होते हैं, पीले लचीले तंतु होते हैं, त्वक संवेदांग पाए जाते हैं जिनको हम स्किन सेंस ऑर्गन भी कह रहे होते हैं, त्वक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, नॉन स्टिक्स मसल्स फाइबर होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि इसमें नीचे की तरफ फैट या वसा ऊतक से लेयर बन जाती है, स्तर बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अर्थात क्या बताना पड़ेगा, डर्मिस एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है, यह किससे बनता है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है, भ्रूणीय मध्य जनन स्तर से बना होता है। ठीक है, यह लोचदार और मजबूत होता है, यह इसका जो अधिकांश भाग है वो फाइबर कनेक्टेड टिश्यू से बना होता है जिसमें पीले लचीले तंतु होते हैं, श्वेत कोलेजन तंतु होते हैं, त्वक संवेदांग होते हैं, त्वक ग्रंथियां होती हैं, रोम कुटिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, तथा यह स्तर एपिडर्मिस से लगभग 2 से 3 गुना मोटा होता है या थिक होता है। कैसा होता है, मोटा होता है या थिक होता है, किससे, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से लगभग 2 से 3 गुना यह स्तर कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, आगे हम ये कह रहे होते हैं कि डर्मिस को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। डर्मिस इज डिवाइजेबल इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट इसमें होता है जिसको हम पैपिलरी लेयर कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, पैपिलरी लेयर। यह जो स्तर होता है बहुत पतला होता है। कैसा होता है यह स्तर, बहुत पतला होता है, थिन होता है। ठीक है, और इस स्तर में कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, रुधिर वाहिनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, क्या बताओगे, जो डर्मिस है इसको भी कितने लेयर में बांटा आपने, 2 लेयर में। एक पैपिलरी लेयर होती है, पैपिलरी लेयर में क्या होगा, कोलेजन तंतु होंगे, बाय कोलेजन फाइबर्स, येलो इलास्टिन फाइबर्स होंगे और रुधिर वाहिनियां होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि इस तंतु में, इस लेयर में बिलाई जिनको हम रसांकु कहते हैं, कि समान बहुत सारे प्रोजेक्शंस प्रवर्त दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनके ठीक ऊपर क्या लेंस होती है, एपिडर्मिस। इसके ठीक ऊपर कौन सी परत होती है, एपिडर्मिस। ठीक है ना, तो
तो ये कौन सी वाली लेयर कंप्लीट होगी? पैपिलरी। डर्मिस को आपने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। एक पार्ट क्या होता है इसमें? पैपिलरी लेयर होती है, यह स्तर पतला होता है जिसमें कॉलेजन तंतु होते हैं, लचीले तंतु होते हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं और इसमें रसांगों के समान अनेक प्रवर्ग होते हैं जिनके ऊपर एपिडर्मिस टिकी रहती है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो तंतु होते हैं ये हमारी त्वचा को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। अगर इन तंतुओं की हमारी त्वचा में कमी होने लगे तो जो त्वचा होती है उसके अंदर रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, अर्थात त्वचा में झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमारी स्किन को जो रिजिडनेस देता है या जो उसके लिए मजबूती प्रदान करता है वो कौन से फाइबर कर रहे होते हैं? व्हाइट कॉलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, व्हाइट कॉलेजन फाइबर और कौन से वाले? येलो इलास्टिन फाइबर। ये हमारी स्किन को क्या दे रहे होते हैं? रिजिडनेस दे रहे होते हैं, दृढ़ता दे रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं और इसी के कारण हमारी जो स्किन होती है वो एकदम से टाइट होती है और स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है या एजिंग फैक्टर आता है, वृद्धावस्था की तरफ व्यक्ति जा रहा होता है, उस समय इन फाइबर्स की त्वचा में कमी होने लगती है और इस कारण से उस त्वचा के अंदर बहुत सारी झुर्रियां बनने लगती हैं। त्वचा क्या होती है? लटक जाती है, झुर्रियां बना देती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो तंतु हैं हमारी त्वचा को क्या करते हैं? टाइट बनाते हैं, कसा हुआ रखते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं, रिजिडनेस दे रहे होते हैं और इस कारण से त्वचा में लगातार मजबूती बनी रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा इसका पार्ट, दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया अभी, जिसे हम कह रहे होते हैं रेटिकुलर लेयर। कौन सी लेयर? रेटिकुलर लेयर। इस रेटिकुलर लेयर को कहा जाता है हिंदी में गालजी स्तर। यह स्तर मोटा होता है, थिक होता है तथा इसमें मोटे मोटे तंतु पाए जाते हैं। जो काफी दूरी तक इसमें फैले हुए रहते हैं। इसके साथ साथ मुख्य रूप से इसमें त्वक संवेदन या संवेदन कोमा त्वक ग्रंथियां, जिनको त्वचा ग्रंथियां भी कह सकते हो, रोम पुट्टिकाएं, जिनको हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है तथा इनके नीचे बसा से बना हुआ बसीय स्तर होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो इसमें पैलर लेयर है, पैपिलरी लेयर, ये तो पतला होता है, इसमें व्हाइट कॉलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और ब्लड वेसल्स होती हैं। रेटिकुलर लेयर के अंदर ये थिक होता है, इसमें मोटे मोटे फाइबर्स होते हैं, त्वक संवेदन होती हैं, त्वक ग्रंथियां होती हैं, रोम पुट्टिकाएं पाई जाती हैं तथा इसके ठीक नीचे की तरफ कौन सा स्तर होता है? वसीय स्तर होता है, जो किससे बना होता है? वसा से बना होता है। ठीक है, ये जो वसीय स्तर होता है ये काफी मोटा हो जाता है और इसे हम एडिपोसस लेयर भी कह देते हैं। कौन सी पर कह रहे होते हैं? एडिपोसस लेयर। इसमें बहुत सारी फैट बॉडीज होती हैं। कौन सी बॉडीज होती हैं? फैट बॉडीज होती हैं, अर्थात फैट से बनी हुई कोशिकाएं होती हैं। इस कारण से यह स्तर बहुत सारे जंतुओं में काफी थिक हो जाता है और ये हमारी बॉडी में या मानव में किसका काम कर रहा होता है? ताप रोधन का काम कर रहा होता है। अर्थात हम कह रहे होते हैं कि ये जो एडिपोसस लेयर है ये क्या करती है? ताप रोधी बनाती है। कैसा बना देती है? ताप रोधी बना देती है। ठीक है, इसके साथ साथ यह त्वचा को सुडौल बनाती है और सुंदर बनाती है।
इस कारण से त्वचा कैसी दिखाई देती है? सुडौल और सुंदर दिखाई दे रही होती है। ठीक है, अर्थात डर्मिस भी आपका कंप्लीट हुआ। एपिडर्मिस कल मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था, आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डर्मिस के बारे में। डर्मिस किससे बनता है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। कहां पर होता है? एपिडर्मिस के ठीक नीचे। एपिडर्मिस की तुलना में 2 से 3 गुना मोटा होता है। इसमें फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, जिसमें फाइबर हो सकते हैं, संवेदनाएं हो सकती हैं, ग्रंथियां हो सकती हैं, पुटिकाएं हो सकती हैं। इस डर्मिस को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक पैपिलरी लेयर और एक रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर पतली होती है, इसके अंदर व्हाइट कॉलेजन फाइबर होते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है। रेटिकुलर लेयर मोटी होती है, इसके अंदर तंतु मोटे मोटे होते हैं, इसमें त्वक संवेदन होते हैं, त्वक ग्रंथियां होती हैं, रोम पुटिकाएं होती हैं और क्या होती है, बस ये स्तर। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे होते हैं? कुटेनियस सेंस ऑर्गन्स, कुटेनियस ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स एंड फैट लेयर या एडिपोसस लेयर। ठीक है, ओके। तो कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया? डर्मिस वाला और एपिडर्मिस वाला। अर्थात स्किन के दोनों पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गए। ठीक, इसके बाद हम आगे स्किन और स्किन के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव्स, स्किन डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? त्वचा और त्वचा से बने हुए विद्युतोपन, त्वचा और त्वचा से बनी हुई संरचनाएं। इसको हमने त्वचा लिख दिया स्किन, और ये क्या हो जाएंगे? त्वचा व्युत्पन्न। त्वचा व्युत्पन्न का अर्थ होता है त्वचा से बनी हुई संरचनाएं। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया था त्वचा और त्वचा से बनी हुई जो संरचनाएं होती हैं, जब ये मिल जाती हैं तो मिल करके किसका निर्माण कर रही होती हैं? किसको बना रही होती हैं? इंटेगुमेंटी सिस्टम। किसका? ह्यूमन का, अर्थात मानव के अध्यावरणी तंत्र को बना देती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके डेरिवेटिव कहते किसको है? त्वचा में पाई जाने वाली विशेष रचनाएं क्या कहलाती होती? त्वचा व्युत्पन्न कहलाती है। ठीक है ना, त्वचा में पाई जाने वाली विशेष रचनाएं क्या कहलाती होती हैं? त्वचा व्युत्पन्न कहलाती होती हैं। और ये जो त्वचा व्युत्पन्न होते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लिख रहे होते हैं रोम और इसकी संरचना। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर, रोम और इसकी संरचना। ठीक है, कौन बना रहा होता है इनको? स्किन बनाती है, त्वचा बनाती है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे होते हैं? स्किन डेरिवेटिव्स। अब देखिए यहां पर रोम किससे निर्मित होता है? रोम को निर्मित करने वाली परत को हम क्या कह रहे होते हैं? अर्थात ये आदि चरणु के अंकुरण स्तर से बनता है, अंकुरण स्तर से बनता है। ठीक है, अंकुरण स्तर क्या बताया था मैंने? जब मैंने आपको एपिडर्मिस बताई थी तो ये कहा था कि स्टैटिफाइड होती है और अंदर से या भीतर से बाहर की तरफ इसमें 5 स्तर बन जाते हैं, जिसमें पहला स्तर जर्मिनेटिवम बताया था, स्टेटम जर्मिनेटिवम, दूसरा बताया था स्पाइनोसम,
तीसरा बताया था ग्रैन्यूलोसम, चौथा बताया था ल्यूसिडम और पांचवा क्या बताया था कॉर्नियम। ठीक है, तो ये जो आदि चरण का अंकुरण स्तर होता है इसमें सजीव कोशिकाएं होती हैं जो लगातार वृद्धि करती हैं या विभाजन करती रहती हैं, इनके द्वारा ही किसको बनाया जाता है रोम को। अर्थात रोम किसके द्वारा निर्मित होता है, अंकुरण स्तर के द्वारा रोम निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें रोम की जो संरचनाएं होती हैं ये भी कई तरह की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली जो संरचना होती है उसको हम रोम कुटिका कहते हैं, क्या कहते हैं रोम कुटिका, इसको बोला जाता है हेयर फॉलिकल, क्या बोला जाता है इसको हेयर फॉलिकल। ये जो रोम कुटिका होती है ये क्या है, रोम का जो आधारीय भाग होता है, किसका रोम का आधारीय भाग किसमें धंसा रहता है, चर्म में धंसा रहता है, चर्म में एम्बेडेड रहता है। जब रोम का आधारी भाग चर्म में एम्बेडेड रहता है या धंसा रहता है, ये आधारी भाग एक थैली के समान बनता है, कैसे स्ट्रक्चर के रूप में, बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, अर्थात जब अंकुरण स्तर चर्म में इन्वेजिनेट होता है, अंतर्वलित होता है, तो उसके अंतर्वलन से क्या बन जाता है, एक बैग के समान या एक थैली के आकार की जो संरचना बन जाती है, उस थैली के आकार की संरचना को ही हम क्या कह रहे होते हैं हेयर फॉलिकल, बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कह देते हैं फॉलिकल। और ये फॉलिकल किसका स्ट्रक्चर है, हेयर का, इसलिए इसी को हमने नाम क्या दे दिया हेयर फॉलिकल कह दिया। ठीक है, ये कब बनता है, जब आदि चर्म का अंकुरण स्तर किसमें डर्मिस में इन्वेजिनेट हो जाए, इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंतर्वलन या अंतर्वलित, किसके अंदर ये इनफोल्ड कर जाता है डर्मिस में, एपिडर्मिस से किसके अंदर इनफोल्ड कर रहा होता है, इन्वेजिनेट हो रहा होता है डर्मिस के अंदर, और तब बैग लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं हेयर फॉलिकल कह रहे होते हैं। ये हेयर फॉलिकल के ऊपर भी दो स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं दो, एक बाहर की तरफ होता है, बाहरी स्तर किससे बनता है चर्म की तंतुमय बाह्य स्तर, और दूसरा होता है आदि चर्म का कोशिकीय आंतरिक स्तर या आंतरिक स्तर। ठीक है, अर्थात होता क्या है, जब आदि चर्म का जर्मिनेटिवम स्तर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है, तो देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसमें देखिए यहां से ये एपिडर्मिस आ रही होती है और ये एपिडर्मिस के साथ आंतरिक स्तर बना लेती है, दूसरा ये डर्म के अंदर इन्वेजिनेट हो रहा होता है तो इसके ऊपर जो स्तर बनता है दूसरा ये स्तर किसका बन जाता है, ये स्तर बन जाता है डर्मिस से, और इसको हम कह रहे होते हैं तंतुकी होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये दो स्तर होते हैं, एक बाह्य होता है और एक अंतर होता है। अंतर स्तर को कौन बनाता है, आदि चर्म की कोशिकाएं, और ये बाह्य स्तर को कौन बना रहा होता है चर्म का तंतुकीय भाग। ठीक है, डर्मिस का कौन सा वाला भाग, तंतुकीय भाग, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट आता है इसमें, इसको हम कह रहे होते हैं हेयर
रूट, इसको रोम जड़ कहा जाता है या रोम मूल कहा जाता है या बाल की जड़ कहा जाता है। ठीक, अभी मैंने जब हेयर फॉलिकल बताया था उसको हेयर फॉलिकल के तले पर, हेयर फॉलिकल के तल पर या बॉटम कह सकते हो सक्रिय कोशिकाएं स्थित होती हैं, सक्रिय कोशिकाएं स्थित होती हैं और ये कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? निरंतर विभाजन, और इस विभाजन से ही किसका निर्माण हो जाता है? मूल या रूट का निर्माण हो जाता है। किसकी रूट है? ये रोम की, इसीलिए इसको हेयर रूट कह दिया जाता है, जो किस में एम्बेडेड होती है अर्थात डर्मिस में धंसी हुई पाई जाती है, एम्बेडेड इनटू डर्मिस, धंसी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो पहली रोम की संरचना में मैंने आपको क्या बताया था? हेयर फॉलिकल। दूसरा क्या बता दिया? हेयर रूट। और तीसरी जो संरचना होती है, हेयर की स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं हेयर पैपिला। क्या कहते हैं इसको? हेयर पैपिला। इसको रोम अंकुरक भी कहा जाता है। ठीक, हेयर पैपिला में क्या होगा? जो हेयर फॉलिकल का पहले वाला भाग होता है, बॉटम वाला भाग होता है, कौन सा वाला भाग? बॉटम वाला भाग, उस भाग में एक हल्का सा गर्त पाया जाता है, इसको कहते हैं सैलोपिक्स, हल्का सा गर्त, या जिसको आप चाहो तो छिछला गर्त कह सकते हो। ठीक है, और इस छिछले गर्त में चर्म से रुधिर कोशिकाओं का, ब्लड सेंस या कैपिलरीज का एक सघन गुच्छा बन जाता है, डेंस बंच। क्या बन जाता है? एक सघन गुच्छा बन जाता है। ठीक है, ये जो सघन गुच्छा होता है, यही सघन गुच्छा डर्मिस से रुधिर कोशिकाओं के द्वारा लगातार पोषण प्राप्त कर किसको देता रहता है? हेयर रूट को। ठीक है, जिससे हेयर रूट और ज्यादा वहां पर विकसित होती रहती है और हेयर रूट हेयर पैपिला के भीतर की तरफ एक नोड के रूप में बदलती हुई, इसकी रूप में एक नोड के रूप में बदलती हुई क्या बना लेती है? एक बल्ब के आकार की संरचना बना लेती है, एक बल्ब के आकार की संरचना, या जो उसका रूट वाला फूला हुआ आधारीय भाग होता है वो बन जाता है, कैसा दिखाई दे रहा होता है? लाइक ए बल्ब, इसलिए उसको बल्ब कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसका नाम आता है हेयर शेप। इसको रोम कान भी कह देते हैं, हेयर शेप, या इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? रोम कान। देखिए यह जो पार्ट होता है रोम का, यह चर्म से बाहर त्वचा के ऊपर ठोस संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे हम हेयर सेफ्ट या रोम कांड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रोम कांड।
चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ जो रोम का ठोस भाग होता है वही क्या कहलाता है, रोम कांड कहलाता है। इस रोम कांड को हम पूरी तरह से क्या मानते हैं, निर्जीव। इसको निर्जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वाले स्तर तक पहुंचते पहुंचते कोशिकाओं में केरेटिनाइजेशन हो जाता है, केरेटिनीकरण हो जाता है। कल मैंने बताया था श्रृंगी भवन या केरेटिनीकरण या केरेटिनाइजेशन हो जाता है, अर्थात जो कोशिकाएं होती हैं किसमें चेंज हो जाती है, पूरी तरह से निर्जीव केरेटिन में। इसलिए ये जो रोम का रोमकांड वाला भाग होता है ये कैसा होता है, निर्जीव होता है, अर्थात इसमें किसी तरह की कोई सजीवता नहीं पाई जाती है। ठीक है, ओके।